दोस्तों समझिए, आपके पास 7 या 8 हजार रुपए हैं, आपका बजट है, आपको स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप कौन सा खरीदोगे? आप खरीदोगे Realme C3 या फिर Redmi 8? जी हाँ, आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। दोनों का भी कंपैरिजन करेंगे, 100% कंपैरिजन करेंगे, सब कुछ देखेंगे और आपको बताएंगे कि भाई कौन सा है अच्छा और कौन सा है नहीं इतना अच्छा। लेकिन दोस्तों, कंपेयर करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, दोनों भी ब्रांड्स, Realme हो या Redmi हो, दे ब्रिंग सम ग्रेट स्मार्टफोन्स, दे ब्रिंग सम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। तो अगर सबसे पहले बता दूं, दोनों भी वैल्यू फॉर मनी है, बजट रेंज के हैं। प्राइस अगर देखोगे तो इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 3GB 32GB एंड 4GB 64GB, एंड प्राइसेस हैं 7000 एंड 8000, बेसिकली 6999 एंड 7999, और ये भी सेम प्राइस पे मिलता है। इसमें भी दो वेरिएंट्स हैं, वैसे ऑनलाइन 3GB 32GB नहीं मिलता है अभी, आपको 4GB 64GB वेरिएंट 7999 में मिलेगा 8000। तो दोनों के प्राइसेस जो है एब्सोल्युटली सिमिलर। दोस्तों, सबसे पहले हाथ में कौन सा अच्छा लगता है, यू नो, हैंड्स डाउन कहूंगा मुझे Realme अच्छा लगता है। थोड़ा नैरो है, टॉल फोन है ये, थोड़ा मॉडर्न भी दिखता है, दिस इज नॉट बैड। इनफैक्ट अगर लुक्स देखोगे तो जी हाँ, ये अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोगों को ये भी अच्छा लगेगा, बट इन हैंड फील जो है, आई विल से Realme C3 इज क्वाइट गुड। अगर वेट के मामले में देखा गया, दोनों भी बहुत सिमिलर है, Realme C3 जो है स्लाइटली लाइट लगता है हाथ में, वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं कहूंगा अच्छा है इसका। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, एंड डिस्प्ले दोस्तों, दिस इज 6.5 इंच बड़ा डिस्प्ले आता है Realme C3 में, whereas आपको Redmi 8 में थोड़ा छोटा मिलेगा, 6.22 इंच versus 6.5 इंच। दोनों ही Gorilla Glass प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसमें Gorilla Glass 5 का मिलता है, इसमें Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए दोस्तों, क्विकली स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, Realme C2 के साथ अगर आप C3 कंपेयर करते हो तो हर मामले में देयर इज अ अपडेट, देयर इज एन इंप्रूवमेंट, सो दैट इज अ गुड थिंग, और प्राइस फिर भी कॉम्पिटिटिव रखी हुई है। अगर स्पेसिफिकेशंस के मामले में कहूं तो यार, प्रोसेसर जबरदस्त है दोस्तों, G70 प्रोसेसर आता है Realme C3 में, whereas आपको 8 में मिलता है SD 439, Qualcomm Snapdragon 439, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दोनों में अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस के मामले में, मैं बताऊंगा आपको परफॉर्मेंस के मामले में, बट जमीन आसमान का डिफरेंस है। अंतुतु स्कोर 95,000 एंड ये 185,000, नियरली डबल द स्कोर। और दोस्तों, अगर बैटरी के पास देखते हैं, दोनों की ही बैटरी सेम है, 5000 mAh की बैटरी है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस, माइक्रो यूएसबी आता है इसमें, एंड आपको Redmi 8 में मिलता है, 8A क्यों बोलने वाला था मैं, Redmi 8 में मिलता है दोस्तों यूएसबी टाइप सी, 10 वाट का चार्जिंग है, एंड Redmi 8 सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, whereas दिस डज नॉट सपोर्ट 10 वाट का चार्जिंग। दोस्तों, दोनों में ही डेडिकेटेड SD कार्ड स्टोरेज है, मतलब SD कार्ड डेडिकेटेड स्लॉट होता है, सो ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है आपको। लेकिन दोस्तों, अगर रैम टाइप के बारे में बात करूं तो इसमें LPDDR4X आता है Realme C3 में, whereas Redmi 8 में आपको LPDDR3 मिलती है, और याद रखिए लेटेस्ट रैम टाइप होने की वजह से परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बूस्ट मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं OS के बारे में, MIUI 11 आता है, विच इज गुड, बट इट इज बेस्ड ऑन Android 9, और हाँ, इसमें एड्स दिखते हैं, इसमें आता है Realme UI बेस्ड ऑन Android 10, तो Android 9 इसका भी अपडेट आ जाएगा दोस्तों, ऐसे नहीं है यू विल गेट Android 10 ऑन Redmi 8, बट ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेंसर्स के बारे में, एंड Redmi 8 डेफिनेटली विंस हियर। क्यों? एक तो आयर ब्लास्टर है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें, whereas इसमें आयर ब्लास्टर तो होता नहीं है, जनरली Realme फोन्स में नहीं होता है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, तो सेंसर्स के मामले में, एंड बाकी के सभी सेंसर्स है इंक्लूडिंग फिजिकल जायरोस्कोप वगैरह, तो सेंसर्स के मामले में दिस वन इज क्वाइट गुड। दोस्तों, अगर सार वैल्यू के बारे में बात करूं, दोनों की ही विद इन लिमिट्स है, 0.5, 0.3, 0.1 ऐसे ही है, सो कोई टेंशन नहीं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाकी के फीचर्स की। दोनों में ही 3.5mm जैक आता है, दोनों में ही FM रेडियो है, लेकिन 8 में आपको वायरलेस FM रेडियो मिलेगा, सो दैट इज अ गुड थिंग, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट तो है ही, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, सो L1 नहीं है, वैसे भी HD स्क्रीन्स है तो L3 इज ओके, एंड दोनों में ही कैमरा टू API का भी सपोर्ट है, इसका मतलब G-Cam आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। नोटिफिकेशन लाइट तो आजकल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भूल गए हैं, तो दोनों में ही नहीं है। डार्क मोड, वैसे दोस्तों OS में बताना भूल गया, डार्क मोड दोनों में ही आता है आउट ऑफ द बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
परफॉर्मेंस, यस परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो परफॉर्मेंस और कैमरा के बारे में आपको बताऊंगा, बट परफॉर्मेंस में देर इज नो मैच। जैसे मैंने प्रोसेसर बताते समय बताया था आपको कि भाई रियलमी C3 बीट्स रेडमी 8 हैंड्स डाउन। G70 दोस्तों इट इज रियली स्मूथ, मतलब अगर बजट आपका होगा 8-9 हज़ार का, फिर भी आप गेमिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट रियलमी C3। एक बात याद रखिए दोस्तों, जी हाँ, इसमें USB टाइप सी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड टू हैव, बट परफॉर्मेंस इज फंडामेंटल, इतना मैं कहूँगा। और उसके मामले में रियलमी C3 बीट्स हैंड्स डाउन। आप गेमिंग वगैरह कीजिए, इनफैक्ट पबजी वगैरह अगर आप मीडियम और हाई सेटिंग्स में खेलोगे, सही में अच्छी तरह से चलता है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से भी मैं कहूँगा दे आर क्वाइट गुड। ऑडियो वीडियो मतलब मल्टी मीडिया कंजम्पशन के मामले में भी आपको रियलमी C3 में मज़ा आएगा, इसमें भी आएगा, बट बड़ी स्क्रीन, वाइड स्क्रीन होने की वजह से जो आप यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखते हो, यू विल फील बेटर। और स्क्रीन ब्राइटनेस मैं कहूँगा दोनों ही के वेरी सिमिलर है, तो मल्टी मीडिया कंजम्पशन अगेन रियलमी C3 इज स्लाइटली बेटर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। इनफैक्ट मैं स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से दोनों में भी प्लसेस और माइनसेस हैं, जैसे हमेशा रियलमी के फोन्स में होता है या फिर रियलमी के कैमरा के साथ होता है। इसकी जो डायनेमिक रेंज है अच्छी है, रियलमी C3 की डायनेमिक रेंज इज क्वाइट गुड, डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से रखता है। और इसके बारे में बात करूँ तो कलर्स अच्छे आते हैं, सिर्फ इतना ही है कि ओवर एक्सपोज बहुत बार हो जाता है, जब आप ब्राइट लाइट में वगैरह फोटो निकालते हो बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो जाता है, ऐसे मैंने कुछ कुछ फोटोज में देखा रेडमी 8 में। वीडियो के मामले में दोनों भी बहुत सिमिलर हैं, एंड स्पेसिफिकेशंस अगर आपको बताऊं तो 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल दोनों का ही पीछे की तरफ है, 5 मेगापिक्सल C3 में मिलता है, 8 मेगापिक्सल आपको रेडमी 8 में मिलता है, सो स्पेसिफिकेशंस आर वेरी सिमिलर। कैमरा के मामले में मैं कहूँगा दोनों ही 19-20 का ही डिफरेंस है, समटाइम्स मुझे लगता है कि 8 अच्छा है, कभी कभी अच्छा लगता है रियलमी C3। और एक बात कहना चाहूँगा कैमरा के बारे में दोस्तों, रियलमी UI का जो कैमरा ऐप है इज मच बेटर देन कलर OS। सो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था कलर OS का, बट रियलमी UI का ज़्यादा स्ट्रीमलाइन लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दोनों कैमरा ऐप के मामले में भी मैं कहूँगा दोनों ही बहुत सिमिलर है। और हाँ दोस्तों, ठीक है बजट फोन है 7-8 हज़ार का ही है, लेकिन आप स्लोमो खींच सकते हो रियलमी C3 में, जो इसमें नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मेरा वर्डिक्ट क्या है, Redmi definitely has more things, FPS. जिन लोगों को FPS चाहिए उन लोगों ने Redmi 8 के पास देखना चाहिए। USB टाइप सी, माइक्रो USB, आई एम ओके एट दिस लेवल, लेकिन जैसे मैं पहले 2 साल से कहते आ रहा हूँ, मुझे परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए दैट बेसिकली डिसाइड्स वेदर इट इज़ अ गुड फोन और बैड। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो शायद मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, और उस मामले में डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू रियलमी C3। G70 इज अ रियली गुड प्रोसेसर, एंड 439 उस हिसाब से नॉट सो सीरियसली, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में रियलमी C3 इज माई विनर, एंड ओवरऑल अगर देखा गया FPS छोड़ के बाकी मेरे हिसाब से सभी चीजें आपको रियलमी C3 में मिलेंगी। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।